हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर टू कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेके 2023 तक के हैं, यानी सारे जो लेटेस्ट पीवाईक्यू है लास्ट 4 साल के, वो मैं आपके साथ इस सीरीज में डिस्कस कर रही हूँ। सो जरूर से इस सीरीज का हर एक लेक्चर देखिए, हर एक पार्ट बाय पार्ट इस सीरीज को देखिए। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 47। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 231 क्वेश्चन। आप में से कोई पूछ सकता है कि मैम 1-2-30 क्वेश्चन कहाँ पे गए, तो वो आपके कहाँ पे है, वो आपके पार्ट नंबर 1-46 में है। ठीक है, अगर आपने इनको मिस किया है तो 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाइए वहां से जाके फर्स्ट 230 क्वेश्चंस को कवर कीजिए, क्योंकि मैंने वहां पर प्रैक्टिकल थियरी सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो जरूर से जाके उसको कवर कीजिए वहां से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, हर एक ईयर का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हेन डिमांड इज स्लैक एंड द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव, क्या बोलते हैं, आपकी डिमांड कैसे है, स्लैक है और आपका मार्केट जो है फुल कॉम्पिटिटिव है, फर्म्स फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग मेथड्स, बोलते हैं अगर आपकी डिमांड कैसी है, स्लैक होती है और आपकी फॉर्म कैसे है, कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, यानी आप ऐसे मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अब आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा स्लैक का मीनिंग क्या होता है। स्लैक मतलब टफ, जब आपकी डिमांड बहुत टफ है, टफ है यानी आपका मार्केट बहुत टाइट हो चुका है कंपटीशन की वजह से, कई बार क्या हो जाता है, इवन तो आपका प्रोडक्ट अच्छा भी हो लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि इतना कंपटीशन है कि डिमांड रेज होना ही, डिमांड आना ही टफ हो जाता है, राइट। तो उस केस में फर्म कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करता है, ठीक है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, पीक लोड प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग की स्किमिंग प्राइसिंग। सीधी सी बात है, हम लोग टफ डिमांड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी मुश्किल से तो डिमांड आ रही है, क्यों, कंपटीशन ज्यादा है, तो सीधी बात है स्किमिंग तो कर नहीं सकते। स्किमिंग क्या होता है, जब आप क्या करते हो, प्रीमियम चार्ज करते हो। स्किमिंग मतलब आप जब स्टार्टिंग में ही हाई प्राइस चार्ज करते हो, आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में ही क्या करते हो, हाई प्राइस चार्ज करते हो, उसे हम कहते हैं स्किमिंग, तो वो तो हो नहीं सकता है ना। फिर आपको आता है पेनिट्रेशन, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पेनिट्रेशन किस लिए करते हो आप, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी ये ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जब आपको मार्केट्स में और डीपर घुसना होता है, अलग अलग मार्केट्स को एक्सप्लोर करना होता है, अलग अलग मार्केट्स में अपनी जगह बनानी होती है अपने प्रोडक्ट के लिए, तो आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में ही प्राइस लो रख देते हो, आप स्टार्टिंग में ही क्या कर देते हो, अपना प्राइस लो रख देते हो, तो उसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन। वो भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, आप नए मार्केट थोड़ी एक्सप्लोर करोगे, आप अपने मार्केट्स, अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट थोड़ी ढूंढने बैठोगे, तो इसलिए पेनिट्रेशन भी नहीं हो सकता। पीक लोड प्राइसिंग, वो भी नहीं हो सकता, पीक लोड मतलब जब हाई है मार्केट में डिमांड तब आप ज्यादा चार्ज करो, तो वो भी नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग इज योर राइट आंसर। क्यों, अब उसके लिए आपको समझना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल मतलब ही होता है एडिशनल, मार्जिनल वर्ड का मतलब ही होता है एडिशनल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, सपोज मेरी फैक्ट्री है, मैं उसमें 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हूँ, ठीक है, अब मैंने क्या किया, 500 के जगह पे इस बार दिवाली थी तो मैंने 600 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी, तो एडिशनल कितना हुआ बताइए, मार्जिनल कितना हुआ, 100 यूनिट्स है ना। इस 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो मुझे खर्चा लगता है, से फॉर एग्जांपल 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए जो मेरा खर्चा है वो है 1000 रुपए, ठीक है, और 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए जो मेरा खर्चा है 1200, तो डिफरेंस कितना हुआ, 200 का, 200 रुपीज का, तो ये 200 रुपीज मेरा क्या होगा, ये होगा मेरा मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिवाली का एग्जांपल ले सकते हैं, दिवाली के टाइम पे मार्केट में एकदम कंपटीशन रहता है और डिमांड भी बहुत टफ रहती है। टफ क्यों रहती है, क्योंकि इतने सारे आपके कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके बैठे हैं, तो सीधी सी बात है बहुत ही टफ होता है अपने लिए मार्केट में डिमांड लेके आना,
है ना, तो उस टाइम पे अब क्या आप फॉलो करते हो, आप उस टाइम पे फॉलो करते हो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें आप क्या करते हो, आपने जो नॉर्मल प्रोडक्शन करते थे उसके अलावा आपने जितना एडिशनल प्रोड्यूस किया है, जितना मार्जिनल प्रोड्यूस किया है, आप उसको लेके चलते हो एंड उसकी कॉस्ट को रिकवर करने की सिर्फ कोशिश करते हो। ठीक है, आई होप मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग क्या है वो क्लियर है सबको, है ना। सो जब भी आपकी डिमांड बहुत ही स्लैक होगी यानी टफ होगी और मार्केट बहुत ही कॉम्पिटेटिव होगा, तब आप कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, और यहाँ से प्राइसिंग मेथड से हमेशा एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, तो कोई भी प्राइसिंग मेथड को इग्नोर मत करके जाइएगा, घूम फिर के वही वही प्राइसिंग मेथड आपसे पूछा जाता है, मैंने चारों इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दी। पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, कम प्राइस चार्ज कर देते हो, क्यों, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पेनिट्रेट करना होता है, फैलाना होता है, उस टाइम पे आप क्या करते हो, पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज करते हो। पीक लोड प्राइसिंग मतलब जब डिमांड हाई है तो आप प्राइस बढ़ा देते हो, जब डिमांड लो है तब आप प्राइस कम कर देते हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पीक लोड प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट में समझा चुकी हूँ, जब एडिशनल कॉस्ट आपको रिकवर करनी होती है एडिशनल यूनिट बनाने के, उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। एंड लास्ट में आता है आपकी स्किमिंग प्राइसिंग, जहां पे आप क्या करते हो, प्रीमियम चार्ज करते हो, स्टार्टिंग में ही अपने प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस चार्ज कर लेते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए आईफोन, है ना, आईफोन क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही आपसे प्रीमियम प्राइस चार्ज कर लेता है ना, है ना। आई होप चारों मेथड्स प्राइसिंग के आपको अच्छे से क्लियर है, घूम घूम के इनमें से किसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जैसे जैसे मेथड्स आते रहेंगे अलग अलग बार अलग अलग शिफ्ट में, मैं सारे क्वेश्चंस के साथ हर एक ऑप्शन इसलिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही नहीं समझे बल्कि उसके साथ के ऑप्शन भी समझ में आए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन आया ना, ये कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आया है आपका बिजनेस फाइनेंस से। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और ये सारे के सारे जो सोर्सेज है ना, बोनस शेयर्स, डीमैट शेयर्स, राइट इश्यू, स्वेट इक्विटी शेयर, ये सब मैंने आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का लेक्चर लिया था, अगर आपको याद हो तो। बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे जाके 1-4 लेक्चर देख लीजिए, 4 लेक्चर देख लीजिए, आपको सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वहां पे मैंने डिटेल में समझाए हैं। मैंने जानबूझ के वो लेक्चर फाइनेंस में इसलिए ही स्टार्टिंग में आप किए थे, तो वहां पे बेस बनाना बहुत जरूरी था, एंड प्लस मुझे पता था कि वहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही होते हैं, इवन दो इजिएस्ट टॉपिक है बट होता ही। ठीक है, तो आप वहां से जाके डिटेल में अगर चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं, शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, फिर चलो, बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर नाम से क्लियर है, जब आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को फ्री में शेयर देते हो, है ना, यानी इसका क्या होगा, इश्यू इज मेड टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स फ्री ऑफ चार्ज, जब आप क्या करते हो, इश्यू करते हो, एडिशनल शेयर देते हो किसको, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ चार्ज, तो उसे हम कहते हैं बोनस शेयर। यानी ए का तो क्या हो जाएगा, ए का तो सेकेंड हो जाएगा, ए का सेकेंड होगा तो वहां पे ए का सेकेंड है, ए और बी, है ना, सी भी कट गया, डी भी कट गया। ठीक है, और राइट इशू क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, जब आप इनवाइट करते हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि वो लोग नए शेयर्स परचेज करें, उसे हम कहते हैं राइट इशू या राइट शेयर्स। ठीक है, राइट इशू भी बोल सकते हैं, राइट शेयर्स भी बोल सकते हो। तो सी का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, सी का वन का आपके ए ऑप्शन, यानी ऑटोमेटिकली बी भी कट गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोनस शेयर क्या होते हैं, जब आप क्या करते हो, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को फ्री में शेयर देते हो, उसे हम कहते हैं बोनस शेयर। राइट शेयर्स क्या होते हैं, जब आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन्वाइट करते हो, उनको एक राइट देते हो, एक हक देते हो कि हम नए शेयर्स अभी इशू करें, अगर आप चाहो तो आप मार्केट से कम प्राइस पे हमसे वो शेयर खरीद सकते हो, क्यों, क्योंकि आप हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, इसलिए हम आपको क्या दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं कि आप आके क्या करो, हमसे खरीद लो पहले से ही शेयर कम प्राइस। ठीक है, तो वो होते हैं राइट शेयर्स। फिर आता है आपके डीमैट शेयर्स, डीमैट शेयर्स यानी ऐसे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, है ना। फिर लास्ट में आता है स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर कौन से होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर बेसिकली वो इक्विटी शेयर्स रहते हैं जो कंपनी इशू करती है अपने एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को, एट द डिस्काउंट फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ। ऑब्वियस सी बात है, ये इक्विटी शेयर नाम में ही स्वेट लिखा है, स्वेट मतलब ये आपने अपने खून पसीने की मेहनत से कमाए, यानी ये क्या होते हैं, वो
इक्विटी शेयर्स होते हैं जो आपको आपकी कंपनी क्या देती है, डिस्काउंट पे दे देती है. क्यों? जस्ट बिकॉज आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर हो, मे बी मैनेजर हो, या कोई भी ऐसी पोजिशन पे हो, एम्प्लॉय हो किसी कंपनी के, तो आपने कितनी मेहनत की है उस कंपनी के लिए, तो उसके बदले में कंपनी क्या कर देती है, आपको इक्विटी शेयर्स दे देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसॉप पूल, है ना, ईसॉप पूल भी बोलते हैं इसको. कि आप क्या कर रहे हो, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए क्या करके रखते हो, थोड़ी इक्विटी उनको भी दे देते हो, ताकि उनको भी लगे कि हाँ हम इस कंपनी का हिस्सा है और हमें कंपनी भी वैल्यू कर. ठीक है, आई होप चारों टाइप के जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है ये क्लियर है. बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बट अगेन इम्पोर्टेंट थे सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. और अगर इसके अलावा भी बाकी सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपको देखने हैं, तो मैंने चार लेक्चर में कराया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं. बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन. ठीक है, एंड इवन बिजनेस फाइनेंस को मैंने पूरा कराया है, 24 लेक्चर्स अवेलेबल है बिजनेस फाइनेंस के, 24 लेक्चर्स में मैंने सारा बिजनेस फाइनेंस कवर किया है, चाहो तो जाके देख लो वहां से. ठीक है, अगर आपने मुझसे किसी ने नहीं देखा है तो. सो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 233 क्वेश्चन, एनी प्लानिंग ऑफ टैक्स विच एम्स एट रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी इन लीगली रिकॉग्नाइज परमिसिबल वे कैन बी टर्म्ड एज एन इंस्टेंस ऑफ. बोलता है जब आप टैक्स की प्लानिंग करते हो इस तरीके से कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को, जो भी आपको टैक्स पे करनी है, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, आप उसको रिड्यूस कर रहे हो लीगली रिकॉग्नाइज परमिसेबल वे. लीगली रिकॉग्नाइज परमिसेबल वे यानी मे बी आप कुछ डिडक्शंस का सहारा ले रहे हो, मे बी आप कुछ एग्जेम्पशंस का सहारा ले रहे हो, है ना. तो अब इन सब चीजों का जब सहारा लेते हो, क्योंकि ये तो लीगल है ना, डिडक्शंस एग्जेम्पशंस ये सब तो लीगल है ना, इस तरीके से अगर आप अपने टैक्स को, टैक्स लायबिलिटी को क्या करते हो, रिड्यूस करने की कोशिश करते हो. क्या करने की कोशिश करते हो, रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, उसे हम कहते हैं टैक्स प्लान. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर ए. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, टैक्स प्लान. यहाँ पे मैंने गलती से बी टिक कर दिया होगा, बट टैक्स प्लानिंग इज योर राइट आंसर. क्यों? क्योंकि टैक्स प्लानिंग में आप क्या करते हो, लीगल तरीकों को यूज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हो. आप डिडक्शंस का यूज करते हो, आप एग्जेम्पशंस का यूज करते हो, आप अलग अलग प्रोविजंस का यूज करते हो इनकम टैक्स एक्ट के, और अपने टैक्स को कम से कम कराने की कोशिश करते हो. ठीक है, उसे हम कहते हैं टैक्स. टैक्स अवॉइडेंस भी क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस में आप हर वो लीगल तरीका यूज करते हो जिसके थ्रू आप क्या कर सको, अपना जो टैक्स है उसको अवॉइड कर सको. ठीक है, टैक्स इवेजन मतलब चोरी करना, टैक्स इवेजन मतलब कोई चीज के लिए आपको टैक्स भरना था लेकिन आपने क्या कर दिया है, तोड़ मरोड़ के कानून को तोड़ मरोड़ के, इलीगल वे में आपने कहीं ना कहीं क्या किया, कानून को तोड़ मरोड़ के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया. एंड लास्ट में आता है टैक्स मैनेजमेंट, जिसमें आप क्या करते हो, अपने टैक्स को मैनेज करते हो. पहले से ही आप फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से ही आप क्या करते हो, हर एक खर्चा, हर एक असेट, हर एक इनकम, हर एक लायबिलिटी, हर एक एक्सपेंस ऐसे इस तरीके से करते हो जिस तरीके से आप अपनी टैक्स को एक बेटर वे में मैनेज कर सकते. ठीक है, आई होप ये चारों टर्म्स क्लियर है. ये चारों टर्म्स ना मैंने आपको इनकम टैक्स में भी सिखाए थे, इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं. मैंने यहाँ पे ये चारों टर्म्स का डिस्टिंग्विश आपको कराया. ठीक है, अगर आपको और डिटेल में समझना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 234 क्वेश्चन, द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एनी सम्स कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप द डेफिशिएंसीज ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर. बोलता है फर्म क्या हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है. डिसोल्यूशन यानी बंद होना, रिजोल्यूशन यानी बंद हो जाना. रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्लोज हो जाना, बंद हो जाना. आपकी फर्म ही बंद हो रही है तो आप उस टाइम पे जो भी डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल है, डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल यानी जो भी आपको कैपिटल कम पड़ रहा है उसको किस तरीके से क्या करोगे, किस ऑर्डर में दोगे. ठीक है, तो सीधी बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. सबसे पहले पहले क्या करोगे, सबसे पहले पहले आप इन पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी, जो भी बाहर के लोग हैं, थर्ड पार्टी है, सबसे पहले पहले तो आपका काम है आप उनको पे करो, है ना. फिर सेकेंड चीज आप क्या करोगे, सेकेंड चीज आप
क्या करोगे, सेकेंड चीज आप करोगे कि आप हर एक पार्टनर को क्यूरेटिवली जो भी उसका ड्यू बनता है, जो भी उसने एडवांस था, ठीक है, एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल, जो भी उसको एडवांस ड्यू बनता है वो उससे हम क्या करेंगे, पे कर देंगे, है ना। कैपिटल के अलावा अगर किसी पार्टनर ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया है फर्म को, ठीक है, और वो अभी उसको हम क्योंकि फर्म को ही बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमको उसको कैपिटल नहीं तो ना सही, लेकिन एडिशनल जो उसने पैसा दिया है बिजनेस में, वो बिजनेस में वो एडिशनल पैसा तो उनको लौटाना ही पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले पहले तो आप थर्ड पार्टी को निपटाओगे, फिर आपको आपने अगर कुछ एडवांस लिया है अपने ही पार्टनर से उसको निपटाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे जो भी कैपिटल है उसको पे करोगे हर एक पार्टनर को, ठीक है, जितना जितना कैपिटल जिस जिस पार्टनर का बनता है आप उसको उतना उतना पे करोगे, और फिर डिवाइडिंग लास्ट में आप क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको पार्ट दोगे, उनको उनके प्रपोर्शन में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिवाइड कर दोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप उनके प्रॉफिट्स को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इसका सिंपल अगर मैं आपको ऑर्डर समझाने की कोशिश करूँ तो पहले बाहर वालों को पे करो, है ना, सबसे पहले पहले किसको पे करो, बाहर वालों को पे करो, सबसे पहले पहले बाहर वाले आएंगे, फिर सेकेंड कौन आएगा, अगर एडवांस लिया है पार्टनर से तो उसको पे करोगे, एडवांस फ्रॉम पार्टनर। एक बार ये हो गया तो आ जाओ भाई, पार्टनर को कैपिटल भी तो देना है उसका वापस, जो भी कैपिटल जिस जिसका बनता है उसको दे दो, फिर लास्ट में जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस है उसको शेयर कर दो, सिंपल, ठीक है। तो ये कुछ सीक्वेंस है, और हमेशा याद रखिएगा जब भी डिसोल्यूशन होता है ना तो पहले बाहर वालों को पे किया जाता है, घर वालों को बाद में पैसा मिलता है ना। तो यहाँ पे भी हमने पहले थर्ड पार्टीज को पे किया, पार्टी को तो सबसे एंड में दिया जाता है ना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है और इसका ये सीक्वेंस क्लियर है, ठीक है। ये एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल था, अगर आप लॉजिक भी लगाते ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाता था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 35th क्वेश्चन, नॉन सैम्पलिंग एरर में अराइज बिकॉज ऑफ, नॉन सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, ये मैंने आपको ना रिसर्च एप्टीट्यूड में समझाया, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है, एंड इवन मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड पे एक मैराथन भी ली हुई है जिसमें सारा जो मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड आपको कराया है लेक्चर बाय लेक्चर उसी पे मैंने मैराथन बना के कर दी है, उन दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। फिलहाल मैं शॉर्ट में समझा दूँ, नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब ऐसा एरर जो सैम्पलिंग के वजह से नहीं होगा, यानी सैम्पलिंग के अलावा किसी रीजन से आप एरर कर देते हो तो उसे कहते हैं हम नॉन सैम्पलिंग एरर। तो किस रीजन से हो सकते हैं, वेग डेफिनेशन यूज इन डेटा कलेक्शन, आपने डेटा कलेक्शन में वेग डेफिनेशन यूज किए, हाँ भाई सैंपल में तो कोई गड़बड़ नहीं है लेकिन आपने अपने डेटा कलेक्शन में गलत ही चीजों को यूज किया, डेफिनेशन ही गलत कर दी, तो वो एक चीज हो सकती है, यानी ए तो आएगा ही आएगा, ए आएगा ही आएगा तो सी वाला ऑप्शन कट जाएगा, इसमें तो ए कुछ है ही नहीं। डिफेक्टिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, आपने मेथड ही गलत चूज किया, आपको सपोज करना था किसी एक मेथड से डेटा को कलेक्ट करना था, सपोज इंटरव्यू मेथड से करना था, आपने क्या किया कन्वीनियंस मेथड से डेटा कलेक्ट किया, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, यानी बी भी आएगा ही आएगा, बी आएगा ही आएगा तो ये भी कट गया, इस बी वाले ऑप्शन में कहीं पे भी बी है, ठीक है। इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन, ये तो नहीं आ सकता, क्यों, कि सीधी सी बात है इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन, आपने पॉपुलेशन कंप्लीटली कवर नहीं किया, ये सैम्पलिंग एरर में हो सकता है ना। ये कौन से एरर में पॉसिबल है, ये सैम्पलिंग एरर में पॉसिबल है कि आपने सैंपल ही गलत लिया है जिसके वजह से आपकी पॉपुलेशन कवर नहीं हो पाती, तो ये तो सैम्पलिंग एरर है। हमसे क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है नॉन सैम्पलिंग एरर के ऊपर, यानी सी तो नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता तो सी को कट कर दो, ए ऑप्शन में यहाँ पे सी था यानी ये भी कट हो गया, तो ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ए बी डी ई, ए बी डी ई। नॉन सैम्पलिंग एरर किसके वजह से हो सकते हैं, वेग डेफिनेशन आपने यूज किया, गलत मेथड यूज किया डेटा कलेक्ट करने का, रॉन्ग एंट्री भर दी क्वेश्चन एयर में, या आपने सिर्फ एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को ऑब्जर्व किया और उसके हिसाब से आपने स्टडी कर दिया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कैसे करना है आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। ये क्या था, नॉन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ये चारों जो है
ABDE ये कौन से नॉन सैम्पलिंग एरर थे, और ये वाला कौन सा था, ये वाला था आपका सैम्पलिंग एरर। ठीक है, सैम्पलिंग एरर मतलब ही क्या होता है, जब आप सैंपल के वजह से आपका डेटा गलत हो रहा है। ठीक है, और नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब सैंपल के अलावा दूसरे किसी रीजन से जब आपका डेटा गलत हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नॉन सैम्पलिंग। आई होप सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, राइट। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।